हाय गाइस। सो यार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से फाइनल नोटिस आ चुका है। जो भी जिस भी ब्रांच के अंदर कुछ सीटें बची हुई हैं वो आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। आप ऑफलाइन मोड या फिर फिजिकल मोड के अंदर सीट ले सकते हैं। कुछ कुछ के अंदर सीटें बची हुई है। तो बहुत सारे बच्चों की क्वारी है कि भैया हम कौन विजिट कर सकता है, कितने मार्क्स होने चाहिए, कितने मार्क्स वाले बच्चे विजिट कर सकते हैं। ठीक है यार, बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ स्टेट है, जैसे तेलंगाना है, बिहार है, यहाँ पर राजस्थान है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, जम्मू है। ओके, तो देख सकते हैं आप जैसे जैसे भी प्रकार से आपकी सीटें बची हुई है। जैसे कोई यहाँ पे जैसे एससी कैटेगरी में, यहाँ पे जैसे ओबीसी कैटेगरी में कोई सीट नहीं है, और कोई बच्चा एमएससी लाइब्रेरी या फिर ये जो भी है, ठीक है, ये प्रोग्राम लेने के लिए आता है, तो इसमें तो कोई सीट है ही नहीं, तो उसको तो कहाँ से मिलेगी। ओके, ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं है, यहाँ पे जो सीट है एससी कैटेगरी की है, एसटी कैटेगरी की। ठीक है, तो आपको जस्ट अपनी जो भी डिमांड है उसके हिसाब से देख के आना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ यूजी प्रोग्राम के अंदर, तो यूजी प्रोग्राम के अंदर अगर मैं बात करूँ तो जस्ट बीटेक में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर है कुछ सीटें। ओके, देन जो है बीटेक में ही है प्रिंटिंग में, और तो कोई भी बीटेक में सीट वेकेंट नहीं है। ठीक है, और जो भी है प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड और एमटेक प्रोग्राम, इसमें भी कुछ कुछ सीट्स वेकेंट है। अब एक तो वो बच्चे आ सकते हैं जो वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं, बहुत ही करीब है। ओके, और जिनके 2-3 नंबर ऊपर भी चल रहे हैं ना, वो भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं उनका और भी कहीं हो रहा है जैसे। ओके, देन जस्ट आप देख सकते हो आपके जो भी थोड़े बहुत वेटिंग लिस्ट से ऊपर मार्क्स है तो आप विजिट कर सकते हैं, क्योंकि सारे बच्चे विजिट नहीं करेंगे और सारे बच्चे विजिट ना भी करें। ठीक है, जिसके मार्क्स ठीक ठाक कंडीशन पे हो, थोड़े बहुत वेटिंग लिस्ट कंडीशन पे चल रहे हो, या फिर जिसने अप्लाई नहीं किया है जस्ट, वो भी आ सकता है। ठीक है, इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है कि कौन आना है कौन नहीं आना। ओके, यहाँ पे जो फिर से मेरिट बनेगी आई थिंक 2-10 तारीख को। ठीक है, तो जिसके मार्क्स अच्छे होंगे उसको मिलेगा एडमिशन। द प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट वो है अपीयर इन सीएनसीटी 2022। इन केस कैंडिडेट वो है अपीयर इन आर नॉट अवेलेबल, एडमिशन वे बी ऑफर द अदर कैंडिडेट वो फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन एंड देयर एडमिशन नॉन सीएनसीटी विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ क्वालिफाई एग्जामिनेशन। ओके, जैसे कि सीएनसीटी जिन बच्चों ने नहीं दिया है और सीएनसीटी देने वाले बच्चे नहीं आते हैं, तो जिसने सीएनसीटी नहीं दिया उसको भी एडमिशन ऑफर किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, और इनके सीट रिमेन वेकेंट इन ए पर्टिकुलर कैटेगरी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, दो शैल बी कन्वर्ट इनटू अनदर कैटेगरी एज पर रोल विद अप्रूवल ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ अथॉरिटी। यानी कि अगर एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी में अगर सीटें वैकेंट रहती है और उस कैटेगरी के बच्चे नहीं आते हैं, तो उस कैटेगरी को डायरेक्टली जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाएगा। सीट में भी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। द लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट फॉर स्टूडेंट एडमिटेड इन स्पेशल ट्राइव एडमिशन विल बी 13 तारीख रात को 12 बजे तक, 11:59 तक। ओके, ऑल स्टूडेंट आर एडवाइज टू थ्रो द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन रूल। द ऑल द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व COVID-19 प्रोटोकॉल एंड वियर मास्क। भाई साहब, अभी जो है जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं COVID-19 प्रोटोकॉल का जरूर पालन करें, क्योंकि COVID-19 सिचुएशन फिर से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है, फिर से थोड़े थोड़े केस ज्यादा बढ़ने लग गए हैं। ओके, तो मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर का यूज करें, बी अवेयर रहें। ठीक है स्टूडेंट, तो और जिनके मार्क्स ठीक ठाक है जरूर विजिट करें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ पाली के अंदर है ये। जैसे आप महेंद्रगढ़ आते हैं, ओके, तो जस्ट आप आसानी से आ सकते हैं, आपको मिल जाएगा आने के लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ठीक ठाक कंडीशन पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू सो मच, आई होप आपको सीट मिले। थैंक यू।